कालाढूंगी, यहां तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के बरहानी रेंज का आज विभागीय निरीक्षण मुख्य वन संरक्षण कुमाऊं डॉक्टर विवेक पांडे ने किया। इस दौरान उन्होंने मोटर मार्ग शीशम, सागौन, खैर, बहेड़ा आदि यूकेलिप्टस के प्लांटेशन का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने मौजूद अधिकारियों को वन जीव सुरक्षा के साथ ही जंगल में समय समय पर पेट्रोलियम करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य वन संरक्षण कुमाऊं डॉक्टर विवेक पांडे ने कहा कि वर्षा काल से पूर्व आगामी वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी तैयारी समय से कर ली जानी चाहिए, जिससे प्लांटेशन लक्ष्य को पूरी तरह से सफल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने तराई केंद्रीय वन प्रभाग के बरहानी रेंज में 2012 में 35 हेक्टेयर वन क्षेत्र में लगाए गए मिश्रित खैर, शीशम, गुटेल, सेमन, बकेन के वृक्षारोपण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में वन कर्मियों ने 24 घंटे तैनात रहकर मेन भूमिका निभाई है। उन्होंने विभाग में कम संसाधनों के चलते भी वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ ही अवैध कार्य करने वालों पर सफलता हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि फायर सीजन चल रहा है, जिसके लिए वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और बीट आरक्षी हर दिन जंगलों की गश्त की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में वन जीवों के आगे पानी की किल्लत हो जाती है, लेकिन इस बार समय समय पर बरसात हुई है, जिससे पानी जीवों के तालाब एवं पोखरों की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है कि फायर सीजन तो 15 फरवरी से शुरू हो जाता है, बट लेकिन लॉकडाउन का पीरियड जो मार्च से शुरू हुआ, तो हमारे लिए बड़ा क्रूशियल था कि कैसे मैनेज किया जाए। तो एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया है इसको, और इस कारण से जो है फॉरेस्ट में जंगल में स्टाफ को रहना ही था। तो सोशल डिस्टेंसिंग का और सारे नियमों का पालन करते हुए जो है फायर का मैनेजमेंट के लिए सारी कार्रवाई जो है वो की भी जा रही है, और स्थानीय ग्रामीण जो है लोगों को उन्हीं को जो है इसमें एज अ फायर वॉचर भी जो है वो रखा गया है। तो जितनी भी कवायद जो भी फायर में हम करते हैं वो सारी की सारी की गई है। क्रू स्टेशन बनाना, कंट्रोल बर्निंग करना और स्टाफ का गश्त करना, फायर वॉचर्स रखना, वो सारी चीज़ें बिल्कुल टाइमली यथासमय की गई। नहीं, आपको ये जानकर भी हर्ष होगा कि पिछले साल से, और बल्कि लास्ट टू ईयर्स से, और पिछले साल सबसे ज़्यादा काम हुआ है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वर्क जो है वो कुमाऊं मंडल में बहुत ज़्यादा किए गए हैं। और मतलब विभिन्न योजनाओं में, इवन प्लांटेशन के अंतर्गत, इवन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के अलग अपने सेपरेट प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंतर्गत, या अन्य योजनाओं में भी हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के लिए जो है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के काम किए गए, तो उसका एक बहुत अच्छा परिणाम जो है वो मॉइस्चर रेजीम बढ़ने के कारण से देखा जा रहा है। तो लगातार जो है इस तरीके के अच्छे परिणाम देखने की, वाइल्ड लाइफ जो है उसको, एक तो पानी बरसता भी रहा है हर समय अभी तक, तो इसलिए भी पानी की कमी नहीं रही है, और इतने अच्छे बढ़िया जो है वाटर होल्स इत्यादि जो बने हैं, या वाटर कंजर्वेशन के लिए चाल खाल इत्यादि बने थे पूरे मंडल में, वो सब भरे हुए हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग।